फिर सीधे करिए ऐसा। ये दोनों एक्सरसाइज कोई सावधानी बरतनी है जब बच्चा बच्चे को दूध पिलाते हो उस वक्त। महिलाओं को डिलीवरी के बाद अक्सर कमर में दर्द रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इसको बोलते हैं अपर बैक, इसको बोलते हैं लोअर बैक, और कभी कभी तो इतना तेज दर्द होता है कि वो पैरों तक चला जाता है। मैं डॉक्टर सरनजीत आज आपको बताऊंगी इस दर्द के क्या कारण हैं, जो स्पेशली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद होता है, और आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल सीधी कुछ बातों का ध्यान रख के घर पे ही बिना दवाइयों के आप इससे काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस दर्द के कारण क्या हैं। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे कुछ शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स इसलिए ज़रूरी होते हैं जो कि बच्चे को यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है, ये मैं दिखाती हूँ, जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा हमारा इस यूट्रस में रहता है, ये यूट्रस की कैविटी है। यूट्रस की क्या टेंडेंसी है कि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी इसके अंदर आती है तो इसको धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश करता है। परंतु प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे को भी ये कभी कभी फॉरेन बॉडी की तरह ले लेता है और इसको धक्का मारने लगता है, लेकिन कुदरत ने हमारे शरीर में ऐसा हार्मोन बना दिया है प्रोजेस्टेरोन, जो कि इसको रिलैक्स करके रखता है जिससे कि बच्चा बाहर नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन होता है, ये यूट्रस के अलावा बहुत सी और जगहों पर असर करता है। जैसे कि ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, इन रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो जोड़ हैं इनको भी रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा जो यहाँ मसल्स होती हैं उनको भी रिलैक्स कर देता है, आंतों की मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से कब्जी हो जाती है। और ये जो मसल्स हैं इनको रिलैक्स करता है तो अक्सर कमर में दर्द रहती है। तो यहाँ तक देखा गया है कि 90% लेडीज़ को प्रेगनेंसी में और 75% लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कमर में दर्द अक्सर ही होता है। तो ये तो एक इसका मेन कारण हो गया। इसके अलावा गलत तरीके से आपका पोस्चर जो है वो गलत है, यानी कि आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके झुकने का तरीका, वो कभी कभी बहुत गलत रहता है, उस वजह से भी अक्सर दर्द हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डिलीवरी के बाद जब बच्चे को महिलाएं दूध पिलाती हैं तो कैसा पोस्चर रखना चाहिए, बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। अक्सर गलत तरीके से लोग बैठते हैं। देखिए, जब ये बच्चे को उठाया आपने, तो जब दूध पिला रही हैं तो कमर जो है ज़्यादातर ऐसे झुका के रखती हैं, और फिर ऐसे जब भी ऐसे कमर झुकाते हैं तो यहाँ पर दर्द हो जाता है। इसको बोलते हैं अपर बैक एक, इसकी वजह से इसको ये पोस्चरल पेन बोलते हैं। इसके अलावा इससे निदान पाने के लिए क्या करना है, आपने बिल्कुल सीधे बैठना है, कुर्सी पर बैठ के दूध पिलाना है, बिस्तर पर नहीं बैठना है। कोशिश ये करिए कि आप ऐसे कुर्सी पे बैठिए और कमर बिल्कुल सीधी रखिए, हाथ को थोड़ा सा ऊपर करिए और फिर बच्चे को दूध पिलाइए। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब आपने बच्चे को उठाना है यहाँ से, बिस्तर पे बच्चा बैठा है, पड़ा है, और आपने उठाना है, आप इतनी दूर खड़े हैं तो आपने ऐसे करके नहीं उठाना है, आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे फिर भी आपकी अपर बैक में पेन होगी। आपने क्या करना है, पहले बच्चे को अपनी तरफ करना है, उसके बाद बच्चे को आपने पैर से उठा लेना है। तो ये दो चीज़ों की सावधानी बरतनी है जब बच्चे को दूध पिलाते हो उस वक़्त। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नीचे से उठानी है, तो ये तो हर बंदे के लिए है, हर इंसान के लिए है, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो, चाहे वो जो नॉन प्रेग्नेंट है, चाहे बंदे हो, जब भी कोई चीज़ नीचे से उठानी है कभी भी ऐसे करके नहीं उठानी है। ऐसे करके कोई वजन भी उठाओगे आपके यहाँ लोअर बैक में हमेशा स्ट्रेन आएगा, इसको ऐसे करके उठाना है। आपने घुटनों से बैठना है, मैं फिर से बताती हूँ, आपने ऐसे करके कभी भी कोई वजन, आप ऐसे करके जो भी वजनदार चीज़ उठाओगे तो यहाँ से आपकी डिस्क हिल जाएगी या कमर में सिंपल दर्द हो जाएगी, मोच आ सकती है। तो आपने हमेशा घुटनों के बल झुकना है और तब ये चीज़ उठानी है। ये एक तरीका है। ये भी एक गलती करते हैं लोग, हमेशा गलत तरीके से नीचे झुकते हैं। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये होती है कि डिलीवरी के बाद जो हम महिलाओं को कैल्शियम और आयरन प्रेस्क्राइब करते हैं बिफोर प्रेगनेंसी से पहले, तो पहले तो खाते रहते हैं जब तक 9 महीने
प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन डिलीवरी के बाद खाना बंद कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि डिलीवरी के बाद हमारे शरीर को 1.5 गुना कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर प्रेगनेंसी में 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत है तो डिलीवरी के बाद 1500 मिलीग्राम की ज़रूरत है, यानी 500 मिलीग्राम ज़्यादा चाहिए। पहले 1000 मिलीग्राम चाहिए था, अब 1500 मिलीग्राम चाहिए। तो आप कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है, कुछ महिलाएं वज़न बहुत बढ़ा लेती हैं, वज़न के ऊपर ध्यान नहीं रखती हैं। जो भी वज़न होगा, ज़्यादा वज़न होगा, इसका जोर हमेशा आपके पेट का जोर जो है वो हमेशा आपकी कमर पे जाएगा। आपकी कमर जो है हमेशा अंदर की तरफ खिंचेगी। जब भी पेट निकलेगा इधर से तो कमर ऐसे अंदर खिंचेगी, तो ये जो यहाँ की जो मसल्स हैं, यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें तनाव आएगा। जब भी इसमें वज़न आपका बढ़ेगा, इनमें तनाव आएगा, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगी। इसके अलावा जब भी वज़न बढ़ेगा तो ये जो आपके पैर हैं, छोटे छोटे से परमात्मा ने दिए हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपका साथ देना है, इन पैरों पे इतना वज़न जो है वो इन पैरों पे पड़ रहा है, इसलिए ये पैरों तक आपको पेन होगी। तो आपको वज़न नियंत्रित करके रखना है। वज़न नियंत्रित करने के सभी को कारण तरीके पता हैं। एक तो खुराक पे कंट्रोल करना होता है और कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। इसके अलावा लोग जो है डिलीवरी के बाद बैक की पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते हैं, तो वो मैं आज आपको वो एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जिनसे कि आप अपनी कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपर बैक की कुछ एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होगा, आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप हाथ ऐसे रखिए, सीधे खड़े होइए, बिल्कुल हाथ यहाँ रखिए कमर पे, और अब आपने अपना ये इसको हिप्स को बिल्कुल आगे पीछे कहीं नहीं करना, सिर्फ इतने पोर्शन को पीछे की तरफ झुकाना है। झुकाइए, फिर सीधा होइए, फिर झुकाइए, फिर सीधा कीजिए। अब ये दोनों हाथ ऊपर करें, वो पहली एक्सरसाइज थी, ये दूसरी है। अब आप फिर से झुकिए पीछे की तरफ। अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पेट आगे की तरफ ना निकले, आपने यहाँ से सीधे रहना है। अब झुकिए पीछे, फिर सीधे करिए, फिर झुकिए, फिर सीधे करिए, ऐसा। ये दोनों एक्सरसाइज 10-10 बारी सुबह और शाम को करनी है। इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज और हैं जो मैं बता देती हूँ। ये लोअर बैक की एक्सरसाइज है, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। यहाँ से उठाइए इसको, अब रखिए नीचे, फिर उठाइए, फिर रखिए, फिर उठाइए। ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है कम से कम 10 बार सुबह, 10 बार शाम को। इसके अलावा उल्टा लेट जाइए। अब आपने क्या करना है, सुन लीजिए, यहाँ से कुछ नहीं हिलेगा, ये नहीं उठाना है, यहाँ से ये घुटने नहीं मुड़ेंगे, आपने सिर्फ हिप का मूवमेंट करना है। आप एक पैर उठाइए, सीधी की सीधी एक टांग, ऐसे नहीं, इसको ऐसे उठाएंगे आप। उठाइए, नीचे रखिए, दूसरी करिए, सीधी सीधी, ठीक है, फिर नीचे रखिए, ऐसे अल्टरनेट इनको करिए 10-10 बारी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 10-10 बारी करनी है। अब आपने ये दोनों टांगे इकट्ठी उठानी है, इकट्ठी उठाइए, घुटने नहीं मुड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, घुटने नहीं मुड़ेंगे, यहाँ पर आपको जोर पड़ रहा है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर लोअर बैक की एक्सरसाइज है जो कि इन मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करेगी, यहाँ की मांसपेशियाँ। ये उनके लिए भी अच्छी है जिनको अक्सर कमर में स्पाज्म आ जाता है या यहाँ से डिस्क हिल जाती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने 4 एक्सरसाइजेस बता दी हैं, 2 ये बता दी उल्टा लेट के, 1 सीधा लेट के, 1-2 आपको खड़े होकर बताई हैं, यानी 5 एक्सरसाइज बताई हैं। ये 5ों एक्सरसाइज 10-10 बारी सुबह, 10-10 बारी शाम को कीजिए, और जब आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो इनको इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए आप।